नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पेट साफ करने के ऊपर। दोनों जगहों पे क्या अंतर है, एक शहर में और एक गांव के एरिए में। जब हम रहते हैं तो क्या पेट साफ होने में कोई अंतर रहता है? डेफिनेटली रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर रहता है दोनों में, पेट साफ होने में। गांव में पेट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से साफ होता है और शहर में उसके मुकाबले जो है उतने अच्छे से पेट सफा नहीं होता। ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं जो है जो बीमारियां हैं उसकी वजह जो है पेट का साफ नहीं हो पाना है। मोर देन 70-80% जो है हमारी बॉडी में डिजीजेज इसी वजह से उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारा पेट जो अच्छे से सफा नहीं होता। तो अगर गांव में पेट ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ हो रहा है तो डेफिनेटली उतनी ही मात्रा में बीमारियां जो है यहां पे कम हो जाएंगी। अगर मैं कह रहा हूं कि 70-80% डिजीजेज उसी वजह से होती है, दैट मीन्स शहर के मुकाबले गांव में इतने प्रतिशत बीमारियां कम हैं। आप देखेंगे कि शहर में जनरली जैसे ही व्यक्ति 30-40 क्रॉस करता है तो उसकी कुछ ना कुछ जो है मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, मतलब पर डे वो मेडिसिन खाता ही खाता है। मगर गांव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही आपको बिड़र लोग में बहुत कम लोग मिलेंगे जो लोग जो है डेली बेसिस पे मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, बहुत कम मिलेंगे, है ना। गांव में ये शहरों में यही संख्या आपकी बढ़ के जो है तकरीबन 70-80% मान के चलो लोग दवाइयाँ 50 क्रॉस करते ही इतने प्रतिशत लोग जो है ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं डेली बेसिस, जैसे कि थायराइड का हो गया, ठीक है, बीपी का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, या फिर जो है शुगर का हो गया, ना इस तरह की जो है समस्याएं, इसकी बीमारियां जो चलती रहती, कब्ज की हो गई, एसिडिटी की हो गई, है ना, ये सब जो है दवाइयाँ जो हैं चलती रहती हैं लोगों की। तो यहाँ तो लोग कब्ज, एसिडिटी तो जानते ही नहीं यहाँ पे लोग। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि अध्यापक हैं, टीचर हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 60-65 साल हो चुकी है, वो लोग भी नहीं जानते एसिडिटी क्या होती है। मैंने जो पुस्तक लिखी है वो उस पुस्तक को एक टीचर हैं उन्होंने पढ़ी, ठीक है, तो कहते हैं एसिडिटी क्या क्या समस्या होती है। उनको मतलब उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि एसिडिटी होती क्या चीज़ है, लेकिन उसके मुकाबले आप शहरों में जाएं तो सबको पता है एसिडिटी क्या होती है, कब्ज क्या होती है, कि वहाँ पे ये सारी जो है समस्याएं बहुत आम बात है वहाँ पे ये चीज़। तो वहाँ के मुकाबले मैंने ये चीज़ देखा है कि शहर के मुकाबले जो गांव है वहाँ पे पेट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ होता है। इसके कई कारण हैं, मुझे तो एक सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पे नज़र आता है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। इतनी शुद्ध इन्वायरमेंट में जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप ही होती रहती है। उसे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों की अलग से डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, डाइट करते वक्त भी मैं जो है जब मैं वहाँ शहर में रहता था तो मुझे ग्रीन जूस लेना पड़ता था, ठीक है, ताकि जो है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक साफ रहे। लेकिन जैसे ही मैं गांव में आता था कभी कभी घूमने के लिए तो मुझे किसी प्रकार की ग्रीन जूस की आवश्यकता नहीं होती थी, यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से अपने आप ही पेट साफ होता था। मगर वहाँ पे ग्रीन जूस का सहारा लेना पड़ता था।
और वो मैं डाइट करते वक्त तकरीबन 2 वर्षों तक मैंने कंज्यूम भी किया था, ठीक है। हालांकि इसके बाद बॉडी इतनी ज़्यादा डाइजेस्टिव इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि ग्रीन जूस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब कि अभी जब रिसेंटली मैं वहाँ से आया हूँ चंडीगढ़ से, तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये अंतर है। तो इसके अलावा देखिए, खान पान तो है ही है डेफिनेटली। यहाँ का जो आटा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें चोकर आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। वहाँ का आटा जो है, जो कि रेडीमेड ही मिलता है वहाँ पे, ठीक है, आटा पैकेटों में भरा रहता है और उसको लोग खरीद के लाते हैं, हम लोग भी वही लाते थे। तो उसमें चोकर आप चलनी से लेके चलेंगे तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों, अगर देखिए कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर उसके पास इस चीज़ की व्यवस्था है, मतलब कि गांव में घर है, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि कुछ महीने जो है उसे वहाँ से उठ के जो है लगा लेना चाहिए। आपकी जो समस्या है उसमें बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। अंतर ही नहीं बल्कि वो समस्या ही गायब हो जाएगी आपकी, अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक से संबंधित समस्या है तो, ठीक है। और थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और जो है शुगर, ये सब मेरे हिसाब से उसी से जुड़ी हुई समस्या, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक से ही जुड़ी हुई समस्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।